राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वशीकरण तिलक के बारे में, और जिसको करने के बाद, और ये जो तिलक है आपके बहुत 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 काम आने वाला है, क्योंकि एक ऐसा तिलक है जो सात्विक कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि तंत्र मंत्र से रिलेटेड जो है ये कार्य नहीं करेगा, ना ही कोई तांत्रिक प्रयोग का मैं आपको तिलक बताने जा रही हूं। एक ऐसा सात्विक तिलक जो कि हर कोई यूज कर सकता है, चाहे वो आपका बच्चा पढ़ाई ना करता हो तो अपने बच्चे को आप जो है ये तिलक लगा सकते हैं, आपके हस्बैंड का कारोबार ना चल रहा हो या आपका कारोबार ना चल रहा हो तब आप ये तिलक कर सकते हैं, और जो है अगर आपका खुद एक स्टूडेंट है, आप खुद एक बॉस है तो आप जो है ये तिलक कर सकते हैं, आपके जो कुलीग्स हैं अगर आपका कहना नहीं मानते हैं या कोई डीलिंग करने के लिए जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जा रहे हैं और आप सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है मुझे कुछ कम दामों पे मिल जाए, तो आप तब भी इस तिलक का प्रयोग कर सकते हैं। आप ये किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए इस तिलक का प्रयोग कर सकते हैं। आपका जो है कोई लवर है, आपका कोई रिलेशनशिप में है, आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं देता है, आपकी पत्नी आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप ये एक ही तिलक मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं कि इस चीज के लिए ये तिलक, इस चीज के लिए ये तिलक, इस चीज के लिए ये तिलक, आपको मैं सिर्फ एक ही तिलक बताऊंगी जो हर चीज में कार्य करेगा। हर चीज में जो है वो तिलक जो है वो कार्य करेगा, और इससे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे आपके अंदर एक अट्रैक्शन जो है वो पैदा होगा। अट्रैक्शन पैदा होगा तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपकी बात को मानेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, और आपको जो है एक अट्रैक्शन होगा। जैसे कि अगर आपका कोई जिसे आप प्यार करते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, होता रहे, कौन नहीं चाहता आज के डेट में, कौन नहीं चाहता कि हमारे जो है संबंध जो है वो अच्छे हों। मैंने तो ऐसा ऐसा मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के फोन अपॉइंटमेंट्स होती है, तो ऐसे लोग कहते हैं कि 8 साल से हम एक रिलेशन में थे और उसने मुझे छोड़ दिया, 8 साल की रिलेशनशिप जो है उसने छोड़कर एक मिनट में चला गया। ऐसे बहुत सारे, चाहे लड़की ने लड़के को छोड़ दिया हो या लड़के ने लड़की को छोड़ दिया हो, या आपका कोई भी अफेयर वगैरह चल रहा हो और आपका वो अफेयर एकदम से टूट गया, तो ये रामबाण तिलक आपके लिए ऐसा जो है अमृतमयी तिलक होगा जिससे आपके बहुत जबरदस्त आपको उसका रिजल्ट जो है ये बहुत आपको उसका उम्दा मिलेगा। और इस तिलक को बनाना कैसे है वो भी मैं आपसे बात करूंगी। और देखिए, सामने वाला आप जो आप बात करोगे उसे सामने वाला आपकी बात को लेकर अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन इस तिलक का आपको मिसयूज नहीं करना है। अब आप सोचोगे, कहते हैं कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की आप डील करने जा रहे हो, 1 करोड़ का मकान है, आप सोचो मेरे को 50 लाख में मिल जाए, तो ऐसी फालतू की चीजों के लिए काम मत कीजिए। आप सोचो मेरा करीना कपूर जो है वो मेरी तरफ वशीकरण हो जाए, तो ऐसा काम मत कीजिए कि जो है ऐश्वर्या राय जो है मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। जो है कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो गलत हो और वो आपको कुछ काम नहीं करेगा, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। इस चीज का जो है मिस यूज मत करो, इसको आप सिर्फ सम्मोहन के लिए और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो है आप इसका काम करो। आप कुछ बात करते हो किसी से, जो है किसी से बात कर रहे हो और वो व्यक्ति आपकी तरफ जो है ये अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा काम करो। देखिए, हमारे जो है दोनों आईब्रोज के बीच में जो है एक सेंटर होता है, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। इसे हम बोलते हैं आज्ञा चक्र, हमारा ये एनर्जी पॉइंट है, एनर्जी पॉइंट। इस एनर्जी पॉइंट पर आपको ये जो है इस वाली फिंगर से, रिंग फिंगर से और सीधे हाथ की रिंग फिंगर से आपको ये तिलक जो है वो रोज करना है, और ये तिलक आपको कम से कम जो है वो 11 दिन जरूर करना है। कम से कम आपको ये 11 दिन जरूर करना है, और दिन जो है इसका शुरू करने का सोमवार, और अगर आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू कर लेते हैं तो सोने पर सुहागा, अदरवाइज कृष्ण पक्ष से शुरू करेंगे तो उसको अवॉइड कीजिए, शुक्ल पक्ष से ही शुरू कीजिए। और ये सोमवार से, किसी भी दिन सोमवार से आप ये तिलक जो है यूज कीजिए, लेकिन पहले ये तिलक आपने शिव लिंग पर जाकर भोले बाबा को लगाना है, और उसके बाद आपने अपने माथे पर लगाना है। ये तिलक पहले आप बनाकर रख लेंगे, और इसको बनाकर रख लेंगे अपने घर के मंदिर में, आप इसे बनाकर रख लेंगे। उसके बाद जब ये तिलक जो है पूरा एनर्जाइज हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन जब भी आप पूजा करते हैं, 24 घंटे कम से कम उसको बनाकर रखे, और उसके बाद सोमवार को यानी कि शनिवार की रात को आप बना लीजिए, संडे वो पूरा पड़ा जाएगा, सोमवार को आप सुबह सुबह उठे और नहाने धोने के बाद ये तिलक लगाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
अब कई लोग पूछेंगे हम नहाने के बाद लगाएं, नहाने के पहले लगाएं, कैसे लगाएं, हम जो है अब लेडीज पूछेंगे कि हम पीरियड्स हो रहे हैं उस वक्त लगाएं कि ना लगाएं, इसका पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। इसे कोई भी स्त्री पुरुष बच्चा बुजुर्ग ब्राह्मण कोई भी लगाए, कोई भी लगाए, इसका कोई भी नेगेटिव जो है वो इफेक्ट जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो एनर्जी पॉइंट होता है इसमें हमारे जो है ना ये हमारा आज्ञा चक्र होता है, इसमें हमारी बड़ी जबरदस्त एनर्जी होती है। तो ये आईब्रोज के बीचों बीच में आपको ये तिलक जो है ऐसे गोल करके लगा लीजिए, अगर लेडीज है तो आप गोल लगाइए और अगर जेंट्स है तो आप इस प्रकार से लंबा लगा लीजिए। लेडीज है तो गोल और जेंट्स है तो इस प्रकार से लंबा कर लीजिए। जिस प्रकार से आप बिंदी लगाती हैं तो उसी प्रकार से आपको तिलक करना है। और तिलक के लिए अब आपको क्या क्या सामग्री लेनी है वो जल्दी से लिख लीजिए। आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, यानी कि आपको तिलक कितना बनाना है कि आपने एक चुटकी आपने सिंदूर ले लिया, एक चुटकी आपने केसर ले लिया, एक ढक्कन आपने जो है जितना, देखिए ये तिलक में आपने जो है एक ढक्कन आप गंगा जल ले लीजिए, लेकिन जितने आपको उतना लिक्विड बनाना है जिसमें, यानी कि पूरा आपका पानी पानी कर लिया, उसको लिक्विड बनाना है, पेस्ट बनाना है, जैसे टूथपेस्ट होता है उससे थोड़ा सा लूज, थोड़ा सा टूथपेस्ट गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। और साथ में आपको लेनी है हल्दी, पहला मैंने आपको बताया लाल रंग का सिंदूर, दूसरा आपको लेना है केसर, तीसरा आपको लेना है गंगा जल। गंगा जल ना मिले तो किसी भी पवित्र नदी का पानी भी चलेगा, या फिर आप मंदिर का पानी ले आइए, किसी सिद्ध पीठ का पानी आप उसके नलके से पानी लेके आ जाइए। साथ में आपको डालनी है इसमें हल्दी, साथ में आपको डालना है चंदन, चंदन सफेद चंदन या लाल चंदन जो भी आपको मिल जाए, सफेद चंदन या लाल चंदन। और साथ में आपको डालना है अश्वगंधा, अश्वगंधा का भी एक चुटकी अश्वगंधा। तो ये सारा सामान आपको मिलाकर, लेकिन आपको इतना सारा नहीं बना लेना, थोड़ी सी क्वांटिटी बनानी है, फिर हम दोबारा बनाएंगे इसको, लेकिन अभी आपको थोड़ी सी एक एक चुटकी आपको ये सामान लेना है। और एक चांदी की डिब्बी में ही आपको इसे रखना है, अगर आप इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो, क्योंकि चांदी की डिब्बी में अगर आप जब इसे यूज करेंगे तो ये सारा सामग्री का जो एक इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो बहुत बढ़िया होगी। वो आप जो एनर्जी है उसका प्रयोग जो है वो कीजिए और इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसमें आपने जो है हल्दी जो लेनी है वो आपने काली हल्दी लेनी है, काली हल्दी बाजार से मिल जाती है, उसका भी पेस्ट आप बना लीजिए काली हल्दी का, उसको सुखा के उसका पेस्ट बना लीजिए और उसको जो है आपने उसमें डालना है। अब आपने सारा मिक्सर जो है उसको घोल लिया, हाथों से घोल लिया, और उसके बाद आपने उसको घोलने के बाद चांदी की डिब्बी में रख लिया और उसे जो है अपने मंदिर में रख लिया, घर के मंदिर में। घर का मंदिर ना हो तो आप जो है नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए उस तिलक को, नॉर्थ ईस्ट में, नहीं तो साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में रखेंगे, माँ लक्ष्मी की फोटो लगा दीजिए साउथ ईस्ट में, उसके बाद उसको तिलक रख दीजिए, एक घी का दिया जला दीजिए, साउथ ईस्ट में कर लीजिए ये प्रयोग, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। साउथ ईस्ट में एक माता लक्ष्मी की फोटो लगाइए, माता लक्ष्मी की फोटो के आगे जो है आपने ये दिया जलाना है, दिया देसी घी का होना चाहिए, देसी घी का दिया जलाइए, और उसके साथ में वो जो डिब्बी है चांदी की डिब्बी उसको खोल के रख दीजिए और थोड़ा सा तिलक लीजिए और माँ के माथे पर लगा दीजिए। ये जब आप बना रहे होंगे तिलक तब आपको ये प्रयोग करना है, जब आप सोमवार से लगाना शुरू करेंगे तो आप जाकर किसी भी शिवलिंग पर जाकर ये तिलक लगाइए, उसके बाद वो तिलक अपने माथे पर लगाना शुरू कर दीजिए। जब आप माँ लक्ष्मी को तिलक लगाएंगे तो अपना हाथ जो है उसे अपने हाथ को उस डिब्बी के अंदर घुमा दीजिए। जब आप सोमवार से लगाना शुरू करेंगे तिलक तब भी आप शिवलिंग पर लगाकर इस तिलक को, भोले बाबा पर लगाकर वो तिलक को आपने फिर डिब्बी के अंदर हिला देना है, उसके बाद आपने तिलक लगाना शुरू कर देना, 11 दिन लगातार कर लीजिए और ऐसा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा, जिससे भी आप अपने बॉस से बात करेंगे तो बॉस अट्रैक्ट होगा, आपने कुलीग से बात करेंगे तो कुलीग आपके अट्रैक्ट होंगे और आपके से ज्यादा अच्छा काम करेंगे। सामने वाला जो भी है, चाहे आपका प्रेमी है, चाहे आपका पति है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपका परिवार का दुश्मन से दुश्मन भी होगा, वो भी नतमस्तक हो जाएगा आपके आगे, वो पुरानी से पुरानी दोस्ती छोड़ देगा और आपसे बात अच्छी तरह से करेगा। लेकिन ये नहीं कि आपने अभी तिलक लगाया अरे कुछ हुआ ही नहीं। भावना से, पेशेंस से 11 दिन लगाइए आपको। किसी को तो 24 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, किसी को 7 दिन में आता है, किसी को 2 दिन में आता है, किसी को 24 घंटे में आ जाता है और किसी को 11 दिन में आता है। अपनी अपनी एनर्जीज के हिसाब से आपकी बॉडी में क्या एनर्जीज इस वक्त जो है वो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रही है और क्या एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर है, तो अपनी अपनी एनर्जीज के हिसाब से आपको जो है इसका रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाता है। करके देखें, हमने तो किया है और बहुत जबरदस्त चमत्कार है।
और अगर आप भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपके जीवन में चमत्कार आपको होता हुआ दिखेगा। तो दर्शकों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आपको बहुत ही बढ़िया उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि आपके जीवन में चमत्कार हो। तो अगर आप भी अपने जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं तो ये तिलक का प्रयोग जरूर कीजिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए जरूर 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 कीजिए। और इसका रिजल्ट जो है वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट की करके बताइएगा। और दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर साधना टीवी पर और ईश्वर टीवी पर आप हमें रात को 11 बजे हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं, जिसमें हम फोन इन लाइव प्रोग्राम में आपकी कुंडलियां जो है वो देखते हैं। आपकी कुंडलियां जो है वो जरूर देखते हैं, आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या जो है चमत्कार आप जो है वो पा सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई किसी चीज पे बात करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।